अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट मान लो अभी हमने एचसीएफ एलसीएम का नाम लिया, तो मुझे याद है कि एचसीएफ एलसीएम भी थोड़ा सा करा दिया जाए। तो एचसीएफ और एलसीएम फटाफट, आपको ऐसे ट्वेल्थ में आ गए हो तो जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि जब हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे और फंक्शन में जब हम पहुंचेंगे हम आपका पीरियोडिसिटी निकालने के लिए, तो वहां पे हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो जब एलसीएम पड़ती है तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि क्या एलसीएम होता है। जैसे एचसीएफ तो मान लो ये है कि अगर मान लो किसी ने पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 2, 4, 6 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका 2 है। ऐसे किसी ने एचसीएफ 5, 7, 9 पूछा तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे एचसीएफ मतलब इनमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है वही निकाल देना है। एलसीएम के बारे में क्या है, इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसे सबसे छोटा छोटा मल्टीपल जो सबसे मल्टीपल, सबका मल्टीपल है, सबसे जिसमें सब सब कुछ डिवाइड हो जाए। जैसे एलसीएम आपका 2 और 3 पूछा तो इसका सबसे छोटा 6 हो गया, 6 में 2 को भी डिवाइड करो, 3 को भी डिवाइड करो, डिवाइड हो जाता है। एलसीएम का पहले ही मैं फंडा बताता हूँ कि होता क्या है, कि अगर एलसीएम ऑफ ए बी कि एलसीएम कब क्या होता क्या है, एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कहूं कि एलसीएम ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू सी है, देन सी बाई ए एंड सी बाई बी मस्ट बी इंटीजर। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीएम के लिए। जैसे इस खास तौर से इसमें बात यह है ना कि एलसीएम आप अगर देखो बाकी चीजें तो आप हमेशा निकाल ही रहे हो। एक तो आप रेशनल नंबर का ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ का एलसीएम निकालना हुआ तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ ले लो, यानी ऊपर का आप एलसीएम ले लो ए सी ई और नीचे का एचसीएफ ले लो बी डी एचसीएफ ऑफ बी डी ई, तीनों का बी डी एफ नीचे का एलसीएफ ले लो, ये आपका हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि एलसीएम आप 2/3, 4/5 बताना है, तो आप जरा देख लो बच्चों क्या करोगे, ऊपर का एलसीएम ले लो, 2, 4 का एलसीएम ले लो, नीचे का एचसीएफ ले लो। एचसीएफ कितना है देखो, तो एचसीएफ आपका 1, एचसीएफ आप नीचे का मतलब 3/5 का, ऊपर का एलसीएम 4 है, नीचे का एचसीएफ 1 है, यानी इन तीन का आपका एलसीएम आ गया 4, इनका एलसीएम कितना आ गया 2/3, 4/5 का एलसीएम आ गया 4। अब जैसे जैसे कि आपको वेरीफाई करना हो कि एक्चुअल में इस वाले डेफिनेशन पे काम कर रहा है कि नहीं, तो जरा 4/2/3 वही सी बाई ए चेक करो, तो ये हो जाएगा देखो 3 ऊपर चला गया, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर 6 हो गया, इंटीजर आ गया, सही है, बिल्कुल करेक्ट आ गया। सी बाई बी मतलब 4/4/5, 4 से 4 कट गया, 5 फोर के ऊपर चला गया, 5 इंटीजर हो गया, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो यह आपका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ रही है फंडा, कि आपको इन जिस जो भी आएगा आंसर उसमें इसको इसको डिवाइड करने से इंटीजर आना चाहिए, ये एलसीएम का फंडा होता है। ये तो हो गया रेशनल नंबर का। अगर एलसीएम आप देखो एलसीएम आप रेशनल नंबर, यहां मैं लिख देता हूं रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जब अगर रेशनल और इरेशनल नंबर होगा तो इसका होता है एलसीएम डू नॉट एग्जिस्ट, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर फिर रेशनल इरेशनल का करता है कि नहीं, तो इसका करता है, इरेशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट बट विथ सम कंडीशन, एग्जिस्ट व्हेन सेम टाइप ऑफ इरेशनल, वेन सेम टाइप ऑफ इरेशनल, सेम टाइप की इरेशनल होने चाहिए। ये सब लिखने से ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगर मैं कहूं आपसे कि एलसीएम आप √2 √3 निकालो, एलसीएम आप √2 √2 निकालो, एलसीएम आप √5 और √10 निकालो, एलसीएम आप π² निकालो, तो इस सब का एलसीएम अगर हमको निकालने के लिए कहा जाएगा तो एक बात ध्यान दो, सेम टाइप की इरेशनल, देखो इरेशनल की भी कैटेगरी होती है कि √2 की इरेशनल, पाई की इरेशनल, π² की इरेशनल, ई की इरेशनल, ई मतलब होता है आपका ई का इरेशनल, या √3 का इरेशनल आपका, या फिर आपका √10 का इरेशनल, ये सब अलग अलग कैटेगरी के है। जैसे यहाँ पे √2 √3 बहुत लोगों के मन में √6 आ रहा होगा, पर ये नहीं होता है, क्योंकि √6 में √2 को डिवाइड करके देखो √3 आएगा,
नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं हुआ मतलब ये आपका एलसीएम नहीं कहलाएगा, पर यहाँ पे आपका 2√2 एलसीएम होगा। वजह कि देखो आप इसमें से इसको देखो, जब सेम टाइप का होगा तो इरेशनल होगा, सेम टाइप का नहीं होगा तो इरेशनल, यानी उस समय आपका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ये रूट टू टाइप की थी, ये रूट थ्री टाइप की थी, दो अलग अलग टाइप की इरेशनल है, तो इस केस में एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा। ये अलग अलग टाइप की, आपको लग रहा होगा सर इसमें रूट टू इसमें रूट फाइव तो है लेकिन रूट टू भी एक्स्ट्रा है, तो इस बार ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। पाई और पाई स्क्वायर अलग अलग टाइप का है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर सर इसका पाई और थ्री पाई का बिल्कुल करेगा, आंसर थ्री पाई हो जाएगा। सर इसका जरा बता दो, पाई बाय टू, टू पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फाइव। सर इसका जरा पहले तो इसको काट के टू कर लो, पाई बाय टू कर लो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम पाई पाई थ्री पाई, नीचे का एचसीएफ टू टू फाइव, ऊपर का एलसीएम थ्री पाई, नीचे का एचसीएफ वन, आंसर हो गया थ्री पाई। ये ऐसे सवाल आपके सामने फंक्शन में, जब पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक जब आप फंडामेंटल पीरियड निकालना होता है उस समय इसका ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं, इसलिए जरूरी है कि हमको एचसीएम और एलसीएफ हमको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद फटाफट एक और नंबर पे बात कर लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, बहुत ही काम का ये भी टूल है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही काम का ये भी टूल है। क्या होता है इसमें, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दो चलता है। कंपोनेंडो का मतलब प्लस वन, डिवाइडेंडो का मतलब माइनस वन। जैसे पहले इसके लिए दो दोनों तरफ होना जरूरी है, ए बाई बी सी बाई डी, ठीक है ना। अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, प्लस वन कर दिए प्लस वन कर दिए, तो ये बन जाएगा कंपोनेंडो, ये आपका कंपोनेंडो हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी, ये कंपोनेंडो हो गया। ए बाई बी प्लस एक घटा दिए तो डिवाइडेंडो हो जाएगा, देखो माइनस वन कर दिए तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। चूंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए बस हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं आपका डी। इनको डिवाइड करते ही यही कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फॉर्म हो जाता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यही कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रहता है। एक और बात है, जो रेशियो है तो मान लो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मैंने बताया, जो रेशियो के बारे में है, रेशियो आपका एक और तरीके से चलता है कि देखो रेशियो जैसे मान लो ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ आया, ये मैं रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं। कभी ऐसे आया तो इसको हमेशा जब भी आएगा उसको लेमडा मान लेना, लेमडा मान के सॉल्व करोगे तो फायदा होगा। हमेशा आपको ए को लेमडा के टर्म में लिख सकते हैं, सी को भी लेमडा, ई को भी लेमडा के टर्म में लेके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि हमेशा लेमडा एज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है। या दूसरा एक और बात होती है कि a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ है, तो ये हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि टू ए प्लस थ्री सी प्लस आपका फोर ई है, तो नीचे भी सेम टाइप टू बी प्लस थ्री डी प्लस 4f एकदम सेम लीनियर कॉम्बिनेशन में। या हम लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई एम प्लस c की पावर 1 बाई एम प्लस e की पावर 1 बाई एम, नीचे भी सेम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं b की पावर 1 बाई एन, d की पावर 1 बाई एन, f की पावर 1 बाई एन। तो ये कॉम्बिनेशन सेम होता है, बस वही है कि आपका ये कभी ऐसा है तो हम समझ सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो हम a बाई बी सी बाई सी बाई डी ई बाई एफ सेम कर सकते हैं, सिर्फ ये उसके लिए है। बात समझ में आ रही है। तो ये तो रेशियो आपका थोड़ा प्रोपोर्शन के बारे में आ गया। अब थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं, लॉ बहुत यूज होगा पूरे अपने इस कैलकुलस के दौरान, लॉ का बहुत हाथ है, लॉ बहुत परेशान भी करता है, ढंग से नहीं समझे तो हमको बहुत हैरान परेशान करता है, ढंग से समझ गए तो बहुत अच्छे से रिजल्ट भी दे जाता है। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लॉग लॉगरिथमिक। देखो दो तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 8 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 64, या हम कहे तो लिख सकते हैं लॉग बेस 8 64 इक्वल टू 2। ये क्या फॉर्म है, ये कहलाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म, ये कहलाता है एक्सपोनेंट फॉर्म, और ये लिखने का तरीका ये कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म।
ये एक्सपोनेंट फॉर्म कई बार एंटी लॉग भी होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंटी लॉग है। बात समझ में आ रही है ना, ये सब क्लास 11th में हमने किया हुआ है, जो नहीं किए हैं सिर्फ उनके लिए कि एक बार आप देख लो चीजों को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके सामने अगर कभी आया कि लॉग बेस, मान लो कुछ भी यहाँ पे लिख दिया 5x, या अगर मैं ऐसे कहूँ कि लॉग बेस a और यहाँ पे n आ गया, तो ये कब लॉग एग्जिस्ट करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्ट कब करता है, एग्जिस्ट व्हेन, मैं इसको बहुत ही डार्क में लिख रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम बनता है। तीन बातें होना चाहिए, पहला जो ये वाली नंबर है ना लॉग के साथ वो पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल जीरो से बड़ी, इक्वल टू नहीं हो सकती। जो इसका बेस है वो भी जीरो से बड़ा। तीसरा, जो इसका बेस है वो एक के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें अगर रहेंगी तो हम कहेंगे कि ये आपका लॉग एग्जिस्ट करेगा, मतलब तभी लॉग को आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये तीन बातें साथ में हमेशा लगी रहेंगी तो। बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे यहाँ पे इसके बाद जरा सा देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, फटाफट इसके ग्राफ पे बिना टाइम वेस्ट के थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ आपका इसका दो तरह से ग्राफ बन सकता है, देखो एक तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है, ये है लॉग बेस ए एक्स का ग्राफ जब आपका इसका बेस एक से बड़ा है। कब ग्राफ है, जब बेस एक से बड़ा है, ये वाली जगह होती है 1,0, मतलब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0 हो गई, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। या दूसरा ग्राफ बना सकते हैं इसका, जब बेस इसका एक से छोटा हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, जब बेस एक से छोटा हो, स्टिल ये 1,a है, 1,0 है लॉग बेस ए एक्स वाई बराबर, ये तब है जब इसका बेस एक से छोटा जीरो से बड़ा। आपको पहले लिखाया जा चुका है कि बेस हमेशा जीरो से बड़ा होता है, यहाँ पे लिखाया जा चुका है तो बेस जीरो होता है, तो जीरो से बड़ा होता है, तो ये आपका होने पे जीरो से वन के बीच में आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ बहुत स्लोली 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 इंक्रीज करता है, मतलब बहुत ही स्लोली, जैसे मान लो मैं आपके सामने रखूं, आप पढ़े भी होंगे कि लॉग बेस कुछ भी हो 1 रखने पे वैल्यू 0 देता है। मान लो इस 1 को मैं धक्का मार के 10 यूनिट आगे बढ़ाया, तो मैं 10 किया तो ये वैल्यू 1 दिया, इसको और धक्का मार के 100 यूनिट, मतलब 90 यूनिट धक्का मारा, ये 100 पहुंचाया तो ये वैल्यू 2 दिया। बात समझ में आ रही, कैसे अपने आप से सवाल पूछते हैं कि 10 के कितना पावर करें कि 10 हो जाए तो 1, 10 के कितना पावर करें कि 100 हो जाए तो आपका 2, ऐसे ही और धक्का मारा इसको, और धक्का मारा, बहुत पुश किया, इसकी लिमिट खूब पुश किया, 1,000 ले गया तो ये वैल्यू 3 दिया। तो बहुत स्लोली 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 ये इंक्रीज करता है, इसका जो इंक्रीज करने का जो रेशियो होता है वो बहुत ही स्लोली होता है, डिपेंड करता है बेस कितना बड़ा है कितना छोटा है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि लॉग की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा आती है, मतलब जो ये लॉग ए बेस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा रहेगी। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि लॉग की वैल्यू प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पूरा रहेगी। लॉग की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्योंकि लॉग बेस एक की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो एक से बड़ा होने पे लॉग बेस ए, अब इसमें समस्या होगा कि सर बेस के बारे में क्या कह रहे थे, तब मैं बात कर रहा हूं जब बेस एक से बड़ा है, तो ये उस कंडीशन बात कर रहा हूं, अगर बेस एक से बड़ा है इस ग्राफ के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर बेस अगर एक से बड़ा यहां पे है, एक से बड़ा नंबर है, तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव आएगी, और अगर यहां पे बेस एक से छोटा है तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। और इधर वाले के लिए बात किया जाए तो बिल्कुल उल्टा, अगर ए लेस देन 1 है, देखो यहां पे आप फटाफट नोट करते रहना ताकि अपने को इसमें ज्यादा आपको फंसना ना पड़े, अगर बेस एक से जीरो से एक के बीच में है तो उस केस में लॉग बेस ए एक से बड़ा होने पे निगेटिव देगा, और बेस यानी बेस कुल मिला के एक से छोटा होने पे पॉजिटिव देगा। देखो यहाँ पे एक से छोटा होने पे पॉजिटिव देगा। अब कुल मिला के आपका ये बात हो जाती है, आके बैठ जाती है अपने पास कि सर हम क्या करेंगे, कि लॉग का सवाल आएगा तो करेंगे क्या। तो लॉग के सवाल आते ही सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए, सबसे पहले
बेस चेक करना चाहिए कि बेस एक से ज्यादा है कि एक से कम। अगर बेस एक से ज्यादा हो रहा है तो वो बिल्कुल ये वाला काम करेगा, बेस एक से कम हो रहा है तो ये वाला काम करेगा। कुछ इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं फटाफट, ये सब आप लगभग लगभग 11th में पढ़े होंगे, इसीलिए इसको बस आपको हल्का फुल्का मैं टच देते हुए आगे बढ़ रहा हूं ताकि कोई सब चीजें आपको बस रिवाइज हो जाए। प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है इनकी भाई, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज बहुत आसान है सब प्रॉपर्टीज, तो लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन की वैल्यू आपका लॉग बेस ए सम जो है प्रोडक्ट में बदल जाता है। दूसरा लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस एन जो होता है डिफरेंस, या ऐसे मैं कहूं कि डिवीजन जो होता है वो डिफरेंस में क्रिएट हो जाता है। तीसरी लॉग बेस ए एम की पावर एन होगा तो जो पावर होता है वो आके मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। चौथा लॉग बेस ए, अगर बेस की पावर एन है तो ये आपका बाहर वन बाई करके आता है लॉग बेस ए एम, ठीक है। पांचवा अगर सेम होता है ना, यहाँ पे वन होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, कुछ भी हो यहाँ पे वन होते ही जीरो हो जाएगा। छठवा लॉग बेस ए सेम होने पे इसकी वैल्यू वन हो जाता है फिर, ठीक है। ये तो आपका बेसिक आपके है। कुछ अगर फंक्शनल, अगर फंक्शनल आइडेंटिटी की बात करें लॉग में, तो सपोज कुछ ऐसा, कुछ फंक्शनल आइडेंटिटी की बात करें तो कुछ ऐसा देखो, अपने पास सातवें नंबर की प्रॉपर्टी a की पावर लॉग बेस a x अगर है तो इसके जगह पे अगर ये और ये बेस और ये दोनों बेस अगर सेम है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू सिर्फ x हो जाती है, ये फंक्शनल आइडेंटिटी कहलाता है। सादा लॉग बेस a की पावर ये b की पावर x है, ये दोनों अलग अलग है तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसको कि बेस चेंजिंग थ्योरम कहते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर एक्स लॉग बी एक्स ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम इसका नाम होता है। फिर आपका आठवां लॉग बेस ए बी है, ये देखो दो दो सगे भाई हैं, इनको अलग कर दिया गया कुछ लालच देकर, किसी तरह का कोई इनको थोड़ा थोड़ा लालच दिया गया तो अलग कर दिया गया, दोनों का बेस सेम हो गया तो ये नीचे वाला नीचे बन गया और ऊपर वाला ऊपर चला गया, ये सी है भाई, हमने बेस एक्स्ट्रा सी दे रखा है, इसको भी नाम होता है बेस चेंजिंग थ्योरम। नाइन्थ लॉग बेस ए बी, अगर हम इनका उल्टा करना चाहें, ये दोनों एक दूसरे से उल्टा करना चाहें तो वन बाई बी ए हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। नाइन्थ नंबर का अगला टेंथ नंबर का ये आपका ये हो गया, यानी इसको करेंगे तो ये चीज हो गया। अगर टेंथ नंबर कोई प्रॉपर्टी देखना चाहे तो कोई प्रॉपर्टी बचती है क्या, तो ये नहीं, बस यही आपकी प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी पे जो भी सवाल बनाना होगा अभी इनकी प्रॉपर्टी पे सवाल भी बनाएंगे, फटाफट सवाल हम लिखेंगे बनाएंगे और सवाल बनाते हैं बच्चे। तो फाइंड वैल्यू आप हमने लिख दिया सवाल आपका, लॉग यहाँ पे लिखा है लॉग बेस टू थ्री लॉग बेस टू ट्वेल्व लॉग बेस टू फोर्टी एट लॉग बेस टू वन नाइनटी टू प्लस सिक्सटीन माइनस लॉग बेस टू ट्वेल्व लॉग बेस टू फोर्टी एट प्लस टेन। अगर ये सवाल करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, सबसे पहले इनको हम ये सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स में बांट लेंगे डायरेक्ट ही। मैं आपको छोटा ठीक ठाक सवाल उठा लिया हूँ ताकि आपने किया हुआ है पहले से बहुत कुछ लॉग के बारे में, इसलिए डायरेक्टली अच्छे सवाल से मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखो लॉग बेस टू थ्री, इसके साथ और हम कुछ नहीं कर सकते, दोनों प्राइम नंबर हो गया है, पर यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री इंटू फोर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्री इंटू फोर प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लॉग बेस टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्री इंटू फोर सिक्सटीन, फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटू, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस टू, जरा बताओ तो तीन में कितने से मल्टीप्लाई करने से ये आपका दे देगा, क्या ये आपका 64 से मल्टीप्लाई करने से देगा, अगर बच्चे करो तो ये 3 इंटू 64 देख लो आपको आ रहा होगा, प्लस आपका ये आपका लास्ट में 16 माइनस लॉग बेस टू, इसको भी 3 इंटू 4, फिर ये आपका इंटू लॉग बेस टू 3 इंटू 16 प्लस लास्ट में सबसे 10, ये आपका बन गया। यहां से यही नहीं, अब तो यहां से थोड़ा और भी आपका काम करना पड़ सकता है जो कि काफी लंबा जाएगा। देखो ये आपका लॉग बेस टू थ्री तो यही रहेगा, ये क्या बन सकता है, क्या ये लॉग बेस टू थ्री प्लस लॉग बेस टू फोर, फिर यहां पे लॉग बेस टू थ्री प्लस लॉग बेस टू सिक्सटीन प्लस यहां पे इंटू लॉग बेस टू थ्री प्लस लॉग बेस टू
64 ये फिर प्लस में आखिरी में 16 माइनस लॉग बेस 2 ये माइनस इस रूट से बाहर है 3 प्लस आपका लॉग बेस 2 4 एक ब्रैकेट में फिर यहाँ पे लॉग बेस 2 3 प्लस लॉग बेस 4 6 16 2 16 माइनस प्लस 10 इतनी बात रह गई। अब नेक्स्ट में जरा देखें, अब ये काम कर लेते हैं ना, मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं, बहुत इतना लिखना पड़ रहा है। लॉग बेस 2 को लॉग बेस 2 3 को हमने मान लिया x, जरा अब जरा देखते हैं क्या बन गया, बाद में रिप्लेस कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हो गया x, यहां पे हो गया x प्लस, बोलो ये 2 स्क्वायर, बाहर में 2 आया, लॉग बेस 2 2 2 आ गया, ये x प्लस 4 आ गया, अरे देख लो भाई x प्लस 6 आ गया, फिर अच्छा इतना बड़ा जरूरत नहीं पड़ी आपका, प्लस 16 इसलिए इस बार छोटा हो गया, माइनस ये x प्लस 2 और x प्लस 4 जरा देख लो तो बच्चों प्लस 10, अरे 4 कहां से जी, ये आपका 64 2 की पावर 6 6 बाहर आ गया, लॉग बेस 2 2 सेम सेम होते ही 1 आ गया वैल्यू इसकी। अब जरा देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको ना, मल्टीप्लाई करना अपना काम है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से शायद कुछ प्रोडक्टिव चीज अगर बनेगा तो बढ़िया है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, और ये 4x और प्लस 2x 6x हो गया, प्लस यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 10। एक काम देखो ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहाँ भी है, तो जरा मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं कि लेट फिर से वापस चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, वाई मान लेते हैं इसको नया टर्म, तो ये आपका अंदर बन गया यहाँ पे वाई, और ये हो गया वाई प्लस 8 प्लस 16, वाई प्लस 8 प्लस 16 माइनस यहां पे क्या आ गया वाई प्लस 8 प्लस 10, ठीक है कोई बुराई नहीं है। अब जरा देखो ये कितना हो गया, यहां से ये वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस वाई माइनस 8 प्लस 10। अच्छा ये क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, ये जो देखो ना y प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये अंदर में आ गया y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस प्लस 2 हो गया। अच्छा ये, अच्छा ये होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल गया, बाहर निकलते ही हो गया y प्लस 4 माइनस वाई प्लस 2, वाई से वाई कटा, आंसर हो गया 6। क्या बात है, आपको ना ऊपर के ना वाई की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी और लास्ट में एक्स की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सवाल है, जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखो इसको समझने में अगर कहीं दिक्कत है तो आप देख लो एक बार और आप बात कर सकते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपका वही है लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर ये सब सवाल है। अगले सवाल की तरफ देखो, मान लो सवाल आपके साथ में ये लिखा है, कई बार बोलेगा प्रूव दैट, कई बार बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ जैसे लिखा है एक्स की पावर लॉग बेस वाई माइनस लॉग बेस ई कुछ भी हो, लिखा नहीं है, मान लो वाई लॉग बेस ई जेड, मैं इसको हटाता हूं, इंटू वाई की पावर लॉग जेड माइनस लॉग एक्स इंटू जेड की पावर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो इसको बनाया जाए, ठीक है इसको बनाना है अपने को। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के लिए, कि क्या किया जाए भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि अपने एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस पे सवाल जो प्रॉपर्टी यूज किए हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज में से इस सवालों को हम बनाएंगे। या एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक और चीज अपने सामने हम लिखते हैं कि अगर यदि या अगर ए की पावर एक्स सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाए, सुन लो हो जाए तो, ये सब टूल हैं लॉग के सवाल करने के, हो जाए तो ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स इज इक्वल टू
e की पावर x log यानी log बेस e a रख दो। देखो तो क्या बन गया, क्या ऐसा क्या करना संभव है, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? देखो तो बच्चों क्या कह रहा है कि अगर आपका log की पावर, अगर a की पावर x, देखो यहां पे a की पावर x को e की पावर x log बेस e x रखो, अल्टीमेटली ये एक ही बात लिखी गई है। देखो क्योंकि e की पावर x log बेस e a का मतलब यह हुआ कि e की पावर log बेस e a की पावर x और बेस बेस ये और ये सेम होते ही, मैंने बताया था अभी पीछे प्रॉपर्टी यूज किया था कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x, तो अल्टीमेटली यही लिख सकते हैं। तो इसको भी जरा देखो ऐसे दिखना थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है, अदरवाइज एक तरीका अपने पास है इन सबको करने का कि डिवाइड डिवीजन में डाल के अलग अलग बेस, अलग अलग दोनों बेस सेम है, दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बाकी बाद में अपन कर सकते हैं। उसके बजाय डायरेक्ट हम इसका यूज कर लें कि देखो ये x की पावर log बेस y माइनस log बेस z है, log z है इनटू y की पावर log z माइनस log x है इनटू z की पावर log बेस x माइनस log y है। अब सुनो क्या होता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो बेस है वो log के साथ चला गया। फिर से सुन लो, जो पावर है वो e की पावर में जब जाएगा तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चला गया, जो बेस है वो लॉग के साथ चला गया। फिर से सुनो, जो a की पावर x को e की पावर में लिखेंगे तो जो इसका पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बेस है वो लॉग के साथ चला जाएगा। आई बात समझ में? तो सुनो अब देखो इसी लॉजिक से इसको हम लिखना चाहते हैं तो e की पावर, अब ये जो पावर है वो पूरा आके मल्टीप्लाई हो गया लॉग वाई माइनस लॉग जेड, और जो बेस जो इसका बेस है वो लॉग के साथ चला गया बेस में, ठीक है, इनटू दूसरा वाला e की पावर, जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो गया लॉग z माइनस लॉग x, और इनटू यहां पे हो गया लॉग y। एक और तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है, वो भी आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा ये भी चला जाएगा e की पावर में, ये आपका हो गया लॉग, चूंकि मुझे ये वाला मेथड भी आपके सामने रखना था इसीलिए मैंने ये रखा, और जो ये बेस है वो चला गया लॉग के साथ, ठीक है। और जरा देखो क्या बना, देखो ये मल्टीप्लाई करना, मैं सबका बेस सेम है तो ऊपर का चीजें आके जुड़ जाएगी, तो e की पावर देखो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं log बेस y log बेस x माइनस log बेस z log बेस x, नहीं बेस क्यों बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, प्लस यहां पे log z log y माइनस log x log y, फिर यहां पे यहां की वजह से प्लस, फिर ये देखो log x log z माइनस log y log z। अब देखो तो कटते log y log z, सबसे पहले log y log z कहां कट रहा है, यहां पे कट रहा है, प्लस log x log y माइनस log x log y माइनस log z log x प्लस log z log x, सब मिलके कट पीट के आ गया e की पावर जीरो, यानी आंसर हो गया वन। तो कई बार इसको फाइंड वैल्यू के बजाय कई बार बोलता है प्रूव दैट, ये भी आपके सामने सवाल आता है। एक और सवाल करते हैं यही log के ऊपर, देखो ये सब सवाल हम क्लास बस मतलब पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम है। जैसे मान लो मैं सवाल दे रहा हूं इफ a की पावर log बेस 3 7 इज इक्वल टू 27, फिर मैंने लिखा log बेस b की पावर log बेस 7 11 इक्वल टू 25, फिर मैंने लिखा log c की पावर log बेस 11 25 इज इक्वल टू रूट 11, मान लो ऐसे मैंने लिखा, तो ये इसका क्या आंसर होगा, क्या अपने को इसकी जगह पे क्या इसकी, तो हाँ फिर मान लो मैंने पूछ लिया कि फाइंड a की पावर log बेस 37 का होल स्क्वायर इंटू b की पावर log बेस 7 11 का, यहां इसको थोड़ा चेंज करता हूं, इसको 49 कर देता हूं, इसको रूट 11 ही रहने देता हूं, ठीक है ना, इसको 49 कर दिया, तो यहां पे फिर इसकी वैल्यू जरा देखो कि ये आपका log बेस 7 11 का होल स्क्वायर इंटू c की पावर log बेस 11 25
इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका ये भी, या बीच में प्लस भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे पूछ रहा हूं तो क्या आपका क्या आंसर देगा, इसकी वैल्यू फाइन, इसकी वैल्यू क्या होगा। अगर प्लस लगाया तो भी, या आपका इंटू लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, तो कैसे सोचेंगे इसके लिए, सोचने का तरीका क्या होगा भाई। तो एक पहले एक बात मुझे बताओ, क्या a की पावर m की पावर n अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, क्या a की पावर m इंटू n लिख लेते हैं क्या। अगर m इंटू n है तो यहां से ये लिख सकते हैं या यहां से ये लिख सकते हैं, दोनों बातें कही है। कहने का मतलब ये कि अगर a की पावर m स्क्वायर लिखा है तो a की पावर m इंटू m लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m की पावर m। बोलो तो क्या एक ही बात लिखी गई, क्या ये इंडेक्स वाली, मतलब पावर यानी किसी भी इंडेक्स थ्योरम है, यानी कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है या मल्टीप्लाई है तो पावर में जा सकता है, ये वाली थ्योरम यूज करेंगे। कैसे सर, यहाँ पे लिखा है a की पावर log बेस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस log b की पावर log बेस 7/11 का होल स्क्वायर प्लस c की पावर log बेस 11/25 का होल स्क्वायर। इसको सर हम लिख सकते हैं a की पावर log बेस 3/7 का होल पावर, ये इसकी होल पावर log बेस 3/7 प्लस, इसको लिख सकते हैं b की पावर log बेस 7/11 का होल पावर log बेस 7/11। सोचो ये आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई सेम सेम नंबर का होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ c की पावर log बेस 11/25 पूरे का log बेस 11/25। बस आपका सवाल बनने वाला है, और देखते हैं सवाल ये आपका बस रेडी हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बस काम है, क्या करेंगे अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू अपने पास है 27 है, कितना है इसकी वैल्यू 27 की पावर log बेस 3/11 प्लस उसकी वैल्यू अपने पास है 49 है, देखो कहीं यहां पे, तो 49 की पावर log बेस 7/20 कितना, log बेस 7 कितना है अपने पास 11, हाँ log बेस 7/11 प्लस उसकी पावर है, उसकी जगह पे है रूट 11 का पावर log बेस 11/25। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये इसको देखो तीन बेस दिख रहा है, इसको भी कोशिश करेंगे तीन के टर्म में बनाने का, तो ये हो जाएगा। अब देखो वही सारी बातें, फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी यूज होगी, 7 स्क्वायर log बेस 7/11 प्लस 11 की पावर 1/2 और ये है log बेस 11/25। बहुत बढ़िया, ये पावर पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू log बेस 11 log बेस 3/11, ठीक है ना बच्चों। ये प्लस ये हो जाएगा 7 की पावर 2 और ये log बेस 7, ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 11, ठीक है। फिर प्लस 11 की पावर 1/2 log बेस 11/25, फिर ये पावर यहां उड़ के जाएगा, ये यहां उड़ के जाएगा, ये यहां उड़ के जाएगा, तो हो गया 3 की पावर log बेस 3/11 का क्यूब प्लस 7, ये हो जाएगा आपका log बेस 7, ये कुछ छूट गया क्या मैंने, अच्छा सॉरी, यहां तक तो ठीक था, ये 7 था log बेस 7 था, यहां तक तो ठीक था, हाँ ठीक है, यहाँ पे 7 था, ये आपका शायद ये तो ठीक है, ये 7 है, हाँ वो बीच में मिस्टेक हो गया, ये 7 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया 7 का क्यूब प्लस ये आपका 11 का स्क्वायर प्लस ये 11 log बेस 11 रूट 25 और पावर 1/2 का मतलब रूट, ये सेम सेम हुआ, उड़ गया, बच गया 7 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर प्लस रूट 25। 7 का क्यूब कितना होता है, आई थिंक 343 है, ऐसे ही कुछ होता है, 343 होना चाहिए, आई थिंक 343, 11 का स्क्वायर 121 और ये प्लस 5, 343 मतलब 4 और ये 43 और 21, 664 प्लस 9, 669, आई थिंक यही 469, यही शायद आपका आंसर है 469, देखो 5 और 1 6 और 6 3 9,
चार दो छह, छह का छह रह गया, तीन और एक चार, चार का चार आ गया, फोर सिक्सटीन, ये आपके सामने आंसर है। तो ऐसे ही सवाल आएंगे लॉग के, ऐसे ही आप करेंगे। अभी तो ये सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी पे सवाल है, पर इस पे हमारा फोकस नहीं है। फोकस किस चीज पे है? लॉग के एग्जिस्टेंस पे फोकस है, फंक्शन के, फंक्शन में। फंक्शन में किस पे ज्यादा फोकस है हमारा? लॉग के एग्जिस्टेंस में, यानी लॉग की इनइक्वालिटी पे फोकस्ड है। उसको पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में, लॉग की इनइक्वालिटी, उस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आओ।